बाइबल कहती है एक व्यक्ति बीमार था, उसका नाम लाजरुस था। वो मरियम और मार्था का भाई था और मरियम और मार्था ने, इन बहनों ने यीशु मसीह को ये संदेश भेजा कि आप जिससे प्यार करते हैं वो बीमार है। अब ध्यान से सुनेगा इस कहानी को। ये संदेश भेजा कि प्रभु आप जिससे प्यार करते हैं वो बीमार है। और आज ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिसने परमेश्वर के प्रेम को चखा है। आप जानते हैं कि यीशु आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप बीमार हो गए। क्योंकि ये परिवार यीशु का दोस्त था, मरियम, मार्था और लाजर, ये दोस्त थे उनके। आप वो व्यक्ति है जिसने यीशु की दोस्ती को देखा है, आपने उसके प्रेम को चखा है, आप जानते हैं उसको और आप जानते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको समझ नहीं आप बीमार क्यों हुए। कई बार लोग यीशु के प्यार के बावजूद थोड़ा बीमार हो जाते हैं, उनको पाप कभी डस लेता है, उनका हृदय कभी कठोर हो जाता है, उनके पांव कभी फिसल जाते हैं। लेकिन यदि आज आपने यीशु के प्रेम को चखा हुआ है तो आप एक बात जान जाइए कि कोई बीमारी और कोई मृत्यु आपको यीशु से अलग नहीं करती। आज परमेश्वर खुद आपके जीवन में हस्तक्षेप करके आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। वो शुरू से बीमार नहीं था, वो बीमार पड़ गया। और बीमारी कई बार हमको शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे शरीर को खराब कर देती है, हमारे मन को खराब कर देती है। कई बार लोग अच्छा जा रहे होते, अचानक से अश्माई, घमंड, कठोरता, गुस्सा, लालच, हवस, इनको थोड़ा बीमार कर देती है। यीशु अपने चेलों के साथ 2 दिन और रुक गए, मतलब उन्होंने जानते हुए उस परिस्थिति में उसी समय हस्तक्षेप नहीं किया। और कई बार परमेश्वर देख रहा आप कहां जा रहे, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता, बोलते इसको थोड़ा दूर जाने दो, आप समय पे क्यों नहीं आए, हमको जब जरूरत थी आप क्यों नहीं आए, जब वहां वो परिस्थिति थी तब आप कहां थे, जब हमारे इतने सारे सवाल थे आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने हमको क्यों कठोर होने दिया, आपने क्यों हमको गमों में दबने दिया। बोले तुम्हारे केस को मैंने ग्लोरी के लिए रिजर्व किया, क्योंकि यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि इस केस को ग्लोरी के लिए रिजर्व किया गया। इस लाजर को ये बीमारी मार देती है, लेकिन यीशु अपने चेलों से कहते हैं वो मरा नहीं, वो सोर। जब कोई मर जाता है उसको दफना दिया जाता है, उसकी आशाएं मर जाती है, उसका अंदर का आदमी मर जाता है, उसकी प्रार्थना का जीवन मर जाता है, उसका सहभागिता मर जाता है, उसका भाइयों के प्रति प्रेम मर जाता है, उसके सपने मर जाते हैं, उसका दर्शन मर जाता है और सब दफना दिया जाता है। और इसलिए कई बार लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं, उनको कितना भी मोटिवेट कर लो, उनको कितना भी उत्साहित कर दो, वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मरा आदमी अपने आप को उठा नहीं सकता। उनको आवाज सुननी है जो मरो को उठाते, आपको उसकी आवाज सुननी है जिसकी आवाज आप कहीं ना कहीं पहचानते हैं। कौन सी ऐसी बात तुम्हारे जीवन में हुई थी जहां तुम दफन हो गए, कौन से ऐसे गम में तुम अटके हो, कोई अपनी जवानी में अटका है, कोई अपने बचपन में अटका है, कोई किसी पाप में अटका है, वहां यीशु को लेके जाना होगा जहां तुम अटके हो। यीशु बोले कहां दफन किया, यीशु को वहां लेके जाना होगा ना, जहां तुम दफन हो वहीं तो लेके जाओगे ना यीशु को। कई लोग किसी पाप में, किसी अश्माई में, किसी दुर्घटना में कहीं दफन है, और चंगाई तब तक नहीं आएगी जब तक यीशु को वहां लेके नहीं जाओगे जहां तुम दफन है, और उस पत्थर को हटाना होगा। बोले प्रभु बहुत बदबू आएगी, बदबू तो तब है ना जब कोई मरा रहे, बदबू तो तब है ना जब पानी ठहरा रहे, बहते पानी में बदबू होती है, पवित्र आत्मा बहता पानी है, वो जिस जीवन में बहता उसके जीवन से बदबू नहीं आती। हो सकता आप भी कहीं रुक गए, हो सकता आप भी किसी गम में, किसी पाप में कहीं अटक गए, आज प्रभु को ले चलो वहां। बोले प्रभु यही वो जगह है, प्रभु बोलेंगे पत्थर हटाओ, नहीं प्रभु नहीं, बहुत दर्द होता है, बहुत गम है उस जगह, हम रोने लग जाएंगे। बोले पत्थर तो हटाओ, तुम सोच रहे हो कि ये पत्थर बदबू को रोके, मैं सोच रहा हूं ये पत्थर मरे हुए को रोक रहा है। मरे हुए को उठने के लिए पत्थर पहले हटना होगा, क्योंकि जब तक पत्थर हटेगा नहीं तो आवाज नहीं सुनोगे, और जब तक आवाज नहीं सुनोगे तुम उठ नहीं। जो पाप का डंक है वो मृत्यु, जो मरे हुए लोग है वो पाप के दास है, उनको पाप का डंक लगा है। और कोई आज मरे से उठे उससे पहले हमारे अंदर के आदमी में वो रोशनी चमकनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है 1 अध्याय में पद संख्या 18 से कि मैं वो हूं जो जीवित है, मैं मर गया था लेकिन देखो अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूं, आमेन। और नर्क और मृत्यु की चाबी मेरे पास है। यीशु कहता है चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने, मैं आया हूं जीवन देने बल्कि बहुतायत का जीवन देने। योहन्ना 5:25 में यीशु कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आ रहा है
वरन आ ही गया है। जब मृत परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और वो जी उठेंगे। आज आपको केवल उसकी आवाज सुननी है। आप अपने आप को उठा नहीं सकते, लेकिन उसकी आवाज आपको उठा सकती है। और फिर जब यीशु ने लाजर की कब्र को देखा, कहा पत्थर हटा दो, और फिर कहा लाजर बाहर आओ। आज प्रभु आपका नाम लेके आपको बुला रहे हैं, बाहर आओ।